हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए लाल वाला बटन दबाइए और साथ में बेल के आइकन को इनेबल कर दीजिए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका सोचो नारो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज 10 सितंबर है और आज की कुछ खास खबरें जो सऊदी अरब की हैं वो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। और जो भी मेरे दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल के आइकन को प्रेस कर दें, उससे क्या होगा मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलती रहेगी, जिससे आप दोस्त मेरी वीडियो को सबसे पहले देख सकते हैं। और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो भी एक बार चेक कर लें, अगर वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखें और बेल के आइकन को प्रेस नहीं किए हैं तो प्लीज़ बेल के आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें, उससे क्या होगा मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेगी, जिससे आप मेरी वीडियो को सबसे पहले देख सकते हैं। खुरुच उदय पर जाने वाले तारकिन पासपोर्ट गुम हो जाने की सूरत में नए पासपोर्ट पर मुमलिकत आ सकते हैं, बशर्त कि पासपोर्ट गुम हो जाने का सबूत फराहम करें। डायरेक्टर जनरल जवाजात से ट्विटर के अकाउंट पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा गया है कि वो तारकिन वतन जो मुमलिकत में कानूनी तौर पर मुकीम है और छुट्टी पर मुल्क गए हुए हैं, वहाँ उनका पासपोर्ट गुम हो जाए तो ऐसी सूरत में उन्हें पुलिस और मुतलका इदारे की रिपोर्ट फराहम करनी होगी। नए पासपोर्ट पर मुमलिकत आने के बाद उन्हें इमिग्रेशन काउंटर पर दस्तावेज सबूत फराहम करने होंगे, जिसके बाद उन्हें मुमलिकत में आने की इजाज़त दी जा सकती है। मुमलिकत आने के बाद उन्हें जवाजात के सूबे में जाकर नए पासपोर्ट नंबर महकमे के सिस्टम में फिट करने के बाद पुराने गुमशुदा पासपोर्ट की रिपोर्ट भी पेश करनी होगी, जिसके बाद जवाजात के सिस्टम में नए पासपोर्ट की एंट्री की जाएगी। वजारत इंसाफ के जराए ने बताया है कि सऊदी अदालतों ने 1439 के दौरान निकाह से महरूम 72 लड़कियों की शादियां कराई। सऊदी अरब में बरसों बरस से ये रिवायत चलती आ रही है। तारीख की रकम खानदान तक महदूद रखने और खानदान की लड़कियों को गैर खानदान में जाने से रोकने के लिए अलग अलग तरीके इख्तियार किए जाते हैं। बाज लड़कियों को शादी से महरूम कर दिया जाता है। जिस लड़की को निकाह से महरूम कर दिया जाता है उसे मर्दाना कहते हैं। मक्का मुकरमा में 26, रियाद में 17, अल सरकिया में 7 और आसिर में 6 इस तरह की लड़कियों की शादियां अदालत ने अपने तौर तरीके पर कराई। लंदन की दारुल हुकूमत की जारी रिपोर्ट में बताया गया है कि सऊदी शहरियों ने 2017 के दौरान वजन घटाने के लिए 997 मिलियन डॉलर की दवा खाई और ख़रीदी। रिपोर्ट में उम्मीद जाहिर की है 2023 तक वजन घटाने वाली दवा सऊदी मार्केट में 1.5 अरब डॉलर तक पहुँच जाएगी। असीर रीजन में हिलाल अहमर के तर्जुमान ने बताया है कि यहाँ ट्रैफिक हादसे में 9 अफराद जख्मी हो गए, उनमें से एक की हालत नाजुक है और तमाम जख्मियों को 4 टीमों ने जनरल अस्पताल में दाखिल करा दिया। मक्का ट्रैफिक ने मक्का रोड पर एक खातून को रौंद कर फरार होने वाले जॉर्डन शहरी को रिकॉर्ड वक्त में गिरफ्तार कर लिया। यह वाकया बरीमान ब्रांच के करीब पेश आया, जॉर्डन से पूछताछ शुरू कर दी गई। शहरी दिफा के तर्जुमान का कहना है कि फायर प्लेस ने असला के इलाके में गोदाम में लगने वाली आग पर काबू पा लिया। आतिशबाजी से किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं हुआ। अलवतन अखबार के मुताबिक शहरी दिफा के कंट्रोल रूम में यह जानकारी मिली थी कि असला के इलाकों में गोदामों में आग लग गई है। जानकारी मिलते ही फायर प्लेस की टीमें मौके पर पहुँच गई, जिन्होंने गोदाम में लगी आग बुझाने का आगाज किया और जल्द आतिशबाजी पर काबू पा लिया। शहरी दिफा के तर्जुमान ने कहा आग लगने की वजह पता ना हो सकी। पुलिस ने तिजारती मरकज में सेल्स गर्ल्स को परेशान करने वाले एसीआई को गिरफ्तार कर लिया। वकास अखबार के मुताबिक सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो क्लिप में एक एसीआई तिजारती मरकज में मौजूद खातून कारकुन से बदतमीजी करते हुए दिखाया गया। वाकया के फौरी बाद जब वीडियो प्रोसिक्यूटर जनरल तक पहुंची तो उन्होंने मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए हुक्म जारी कर दिया, जिस पर अमल करते हुए तफ्तीशी इदारों ने सबसे पहले उस इलाके का सुराग लगाया जहां वाकया पेश आया था। सुराग लगाने के बाद मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। तम्बाकू नोशी की कमेटी ने खिलाफ वर्जियों पर अलग अलग दुकानों पर 1 लाख रियाल जुर्माना आयद कर दिया। सेहत के तर्जुमान का कहना है कि शीशा और तम्बाकू बेचने वाली दुकानों पर तफ्तीशी टीमों ने कार्रवाई की थी, जहाँ खिलाफ वर्जियों पर दुकानदारों पर जुर्माना आयद किया गया। शीशा के लिए इस्तेमाल होने वाले 351 किलोग्राम गैर मियारी तम्बाकू को जब्त करके फेंक दिया गया, जबकि 26 इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट भी फेंक दी गई, जिसके बारे में वजारत ने खबरदार किया है कि इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट इस्तेमाल न किया जाए।
दोस्तों ये रही आज की कुछ खास खबरें जो आपके साथ शेयर की गई। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और जो भी मेरे दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और साथ में बेल के आइकन को इनेबल जरूर कर दें। उससे क्या होगा, मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलती रहेगी, जिससे आप दोस्त मेरी वीडियो को सबसे पहले देख सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक रखिए अपना ख्याल। ओके, खुदा हाफिज़।